देश में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ अब लोगों में वैक्सीन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब इस सभी सवालों पर ब्रेक लग चुका है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल का डाटा जारी कर दिया है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% असरदार साबित हुआ है। डेल्टा वेरियंट के खिलाफ कोवैक्सीन की इफिशेंसी 65% बताई जा रही है। भारत बायोटेक के मुताबिक कोरोना के गंभीर लक्षणों वाले केस में वैक्सीन 93.4% असर करती है। इसके अलावा हल्के लक्षण वाले केस में कोवैक्सीन 63.6% असर करती है। B.1.617.2 यानी कि डेल्टा वेरिएंट पर इसका असर 65% तक साबित हुआ है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के नतीजे फ्री प्रिंट सर्वर में प्रकाशित किए गए हैं। अगर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक माने तो ट्रायल 25 अस्पतालों में 25,800 लोगों पर किया गया था। इसमें यह देखा गया कि कोरोना के खिलाफ यह वैक्सीन कितनी बचाव करती है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के साथ मिलकर डेवलप किया है। सूत्रों के मुताबिक कोवैक्सीन को आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल सकती है। मगर कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार, ये भी जान लीजिए। WHO की लिस्ट में फिलहाल ये 7 वैक्सीन है। फाइजर 95%, स्पूतनिक 92%, नोवावैक्स 89%, भारत बायोटेक 78%, एस्ट्रोजेनिका 67%, जॉनसन एंड जॉनसन 66। इससे पहले भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI को WHO ने स्वीकार कर लिया था। कोवैक्सीन को अप्रूव दिलाने के लिए कंपनी ने 19 अप्रैल को EOI सबमिट किया था। ECP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।